शिक्षक होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि शिक्षक की पहचान उसका विद्यार्थी होता है। उनको सिर्फ पढ़ाना मेरा काम नहीं है माधवी।
गुड आफ्टरनून क्लास. व्हाट वी आर डिस्कसिंग लास्ट, ये क्या डिस्कस कर रहे थे, हम कोई बताएगा? सॉरी, सॉर्टिंग में कौन सी सॉर्टिंग हम डिस्कस कर रहे थे? चले विल स्टार्ट विथ क्विक सॉर्ट. थैंक यू ऋषभ. चले भैया, विल डिस्कस क्विक सॉर्ट. तो भैया क्विक सॉर्ट में क्या करते हैं, हम पार्टीशंस बनाते हैं. ओके, हम पार्टीशंस बनाते हैं लेफ्ट एंड राइट. ठीक है भैया, अराउंड पाइवोट वैल्यू. ठीक है, पाइवोट वैल्यू के अराउंड पे हम लेफ्ट और राइट पार्टीशन बनाते हैं ना. तो इसमें पाइवोट वैल्यू क्या होती है, इसके ऊपर अपन बात करेंगे. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. ओ थैंक यू भैया, सॉरी गाइस. हाँ तुषार, अभी हैशिंग और ग्राफिक्स का टॉपिक रह गया है. ग्राफ का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हैशिंग को हम छोड़ देंगे भैया, है ना. ठीक है, ओके. व्हेन द ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टेड, जब दोबारा स्टार्ट हुई थी, तो वी विल डिसाइड की सॉर्टिंग कंप्लीट करेंगे और ग्राफ का इंट्रोडक्टरी लेवल का काम भर करेंगे. ठीक है, ओके. एंड द पेपर इज ऑल्सो सेट एज पर दिस डिस्कशन, है ना. इस डिस्कशन की बेसिस पे ही पेपर सेट किया गया है. ठीक, ओके. चलें, अभी तो एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम बची है, मर्ज सॉर्ट. उसके लिए एक लेक्चर और चाहिए अपने को. ठीक है भैया, सो पार्टीशन लेफ्ट और राइट करते हैं भैया. क्विक सॉर्ट में हम पार्टीशंस करते हैं लेफ्ट और राइट अराउंड द पाइवट वैल्यू, अराउंड द पाइवट वैल्यू. ठीक है, तो ये जो लेफ्ट पार्टीशन होता है आपका, लेफ्ट पार्टीशन होता है, ये कंटेन करता है, कंटेन्स वैल्यूज स्मॉलर देन पाइवट वैल्यू. ठीक है, और जो राइट पार्टीशन होगा वो क्या कंटेन करेगा बेटा, पार्टीशन कंटेन्स वैल्यूज लार्जर देन पाइवट वैल्यू. ठीक है भैया, ओके. तो पार्टीशंस बनाएंगे लेफ्ट राइट में, स्मॉलर और लार्जर वैल्यू को अरेंज करेंगे, और इस बेसिस पे ये कंप्लीट सॉर्टिंग हो जाएगी. ठीक है, ओके. अब ये पाइवोट वैल्यू क्या होगी भैया, है ना. पाइवोट क्या होता है, ठीक है. पाइवोट कैन बी फर्स्ट एलिमेंट, बेटा मर्ज सॉर्ट के बाद 5 से 10 मिनट का डिस्कशन है बाइनरी सर्च का, है ना. 5 से 10 मिनट का डिस्कशन है बाइनरी सर्च का. ठीक है, ओके. ठीक है ऋषभ, चलें. एक मिनट रुको, है ना, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं.
भैया ये बाइनरी सर्च का वीडियो लिंक भेजा है मैंने, ठीक है, यूट्यूब लिंक है, ओके, चैट विंडो पे भेजा है। एक रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन है बाइनरी सर्च का, एक नॉन रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है भैया, कि मतलब एक बार रिकर्सन है एक बार नॉन रिकर्सन है ना, नॉन रिकर्सिव है, ठीक, ओके, इसको देख लेना। और इसमें अगर कोई डाउट लगे चैट विंडो पे भैया दोनों चीजें मैंने भेज दी है, अगर इसमें कोई डाउट लगे देन डिस्कस दैट विथ मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है बेटा, छोटा सा टॉपिक है, दैट्स व्हाई है ना, आई डू नॉट वांट टू स्किप दैट टॉपिक, बट मुझे अभी क्विक सॉर्ट खत्म करना है और मर्ज सॉर्ट खत्म करना है, ठीक है, और उसके बाद ग्राफ का इंट्रोडक्शन, एंड दैट कैन बी 2 जून को अगर लेक्चर हुआ, ठीक है, मुझे एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा 2 और 3 तारीख में से किसी दिन, ठीक है, 2 और 3 तारीख में से किसी दिन मुझे एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा ग्राफ के इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है बेटा, चले कोई दिक्कत नहीं है ना, हम आगे बढ़ते हैं। ये लिंक मैंने आप लोगों को दी हुई है, जिसको देखना हो देख लेना, मेरे ही यूट्यूब चैनल की लिंक है, मैंने ही आपको दी है, मैंने ही वो वीडियो बनाया है, एक्सप्लेन किया है, नहीं अगर कुछ समझ में आए तो बता देना, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चले भैया पाइवोट कौन क्या क्या हो सकता है भैया, है ना, फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है पाइवोट, लास्ट एलिमेंट हो सकता है, मिडिल एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, कैन बी आ मीडियन ऑफ फर्स्ट लास्ट मिडिल, ठीक है बेटा, कैन बी आ रैंडम वैल्यू, ठीक है भैया, तो पाइवोट आपकी जो मर्जी है वो कर लेना बेटा। हम क्या करेंगे, पाइवोट को फर्स्ट एलिमेंट लेके चलेंगे, पाइवोट को क्या लेके चलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को पाइवोट मांगेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को पाइवोट मानेंगे, ठीक है, ओके। अब ये जो पार्टीशंस होते हैं बेटा, पार्टीशंस आर लॉजिकल, लॉजिकल कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास गिवन डेट एरे है, ठीक है, ये एरे है आपके पास, मैंने बोला इस एरे में से मैं 0, 1, 2 इंडेक्सेस को वो करता हूँ, 0, 1, 2 इंडेक्सेस को एक पार्टीशन में कन्वर्ट कर देता हूँ, एक पार्टीशन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये मैंने ये वाली इंडेक्सेस को कन्वर्ट कर लिया एक पार्टीशन में, दूसरे पार्टीशन में मैंने ये आखिरी एलिमेंट को स्टोर कर दिया, ठीक है, तो ये लॉजिकल पार्टीशन है, मतलब मैं कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस नहीं ले रहा हूं, दीज पार्टीशंस आर लॉजिकल, लॉजिकल मतलब मैं इनको गवर्न करूंगा बाय लोअर इंडेक्स एंड अपर इंडेक्स, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ एनी पार्टीशन उससे गवर्न करेंगे, ठीक है भैया, तो पार्टीशन लॉजिकल होता है, इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया जाता है। देन रिकर्सिव सॉर्ट भैया डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप की एल्गोरिथम है, डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप की एल्गोरिथम है, ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप की एल्गोरिथम है, मींस छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करते चलो प्रॉब्लम को, और ड्यूरिंग द डिवीजन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ड्यूरिंग द डिवीजन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डिवाइड करना स्मॉलर पार्ट्स में और उन स्मॉलर पार्ट्स को सॉल्व कर देना, तो वो डिवाइड एंड कॉन्कर का अप्रोच होता है। अब बेटा हम करते क्या है क्विक सॉर्ट में, हम करेंगे क्या, ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द क्विक सॉर्ट, कि हम क्या करने वाले हैं भैया क्विक सॉर्ट में, क्विक सॉर्ट में हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले करेंगे सेलेक्ट पाइवोट, ठीक है, पाइवोट सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरा काम क्या करेंगे, विल आइडेंटिफाई द राइट सॉर्टेड इंडेक्स ऑफ पाइवोट, पाइवोट के लिए करेक्ट इंडेक्स पोजीशन क्या है कि कहां रखें, एंड ऑल्सो अरेंज स्मॉलर वैल्यूज ऑन लेफ्ट साइड एंड लार्जर वैल्यूज ऑन राइट साइड, ठीक है, ऑफ पाइवोट इंडेक्स, जो पाइवोट की इंडेक्स है उससे लेफ्ट और राइट उनको क्या अरेंज कर देंगे भैया, ठीक है, ओके, इस प्रोसेस में हम ऐसा काम करेंगे कि पाइवोट सेलेक्ट करेंगे और पाइवोट की राइट सॉर्टेड पोजीशन क्या है, चलो
ये अगर डेटा सेट में आपको बोलता हूँ कि ये मेरे पास एक डेटा सेट है 25, 2, 8, 63, अब ये बताओ 25 की राइट सॉर्टेड पोजीशन क्या है, अगर मैं 25 को एज एन पाइवट वैल्यू सेलेक्ट करता हूं तो राइट सॉर्टेड इंडेक्स होगी ये, ठीक है। तो अब अगली एरे ड्रॉ कर लेता हूं, 25 तो यहां आ जाएगा, ठीक है, ओके। एज पर द डिस्कशन हमने बोला कि स्मॉलर वैल्यूज सारी पाइवट से इधर आ जाएंगी, तो 3, 2, 8 इधर आ जाएगा और 60 इस साइड आ जाएगा क्योंकि लार्जर वैल्यू है, ठीक है बेटा। अब ये पूरा प्रोसेस इस स्टेज से इस स्टेज का कैसे होता है उसको एल्गोरिथम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। इस स्टेज से यहाँ पे कैसे आते हैं उसको एल्गोरिथम के थ्रू समझेंगे। क्लियर है भैया? चलो पहले हम क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम देखते हैं। देखो क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम को हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है, जो पूरा काम है वो हम पाइवट इंडेक्स की बेसिस पे डिवाइड करते हैं और पूरा काम हम एक पार्टीशन एल्गोरिथम को दे देंगे। चलें दिखाते हैं। क्विक सॉर्ट एक एरे मांगेगी आपसे, क्योंकि ये लॉजिकल पार्टीशन रहेगा इसलिए उसका लोअर बाउंड भी मांगेगी और उसका अपर बाउंड भी आपसे मांगेंगे, ठीक है। स्टेप वन, क्योंकि ये रिकर्सिव एल्गोरिथम है तो स्टेप वन में क्या चेक करेंगे, बेस कंडीशन, इफ एनी टाइम लोअर इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपर, अगर कभी भी लोअर ग्रेटर देन या इक्वल टू अपर हो जाता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू अपर हो जाता है तब क्या करना है, रिटर्न। देखो यहां पे 25, 3, 2, 8, 63, ठीक है बेटा। तो ये हो गई आपकी लोअर 0 और 4 हो गया आपका अपर, ठीक है। अगर कभी भी कोई सिंगल एलिमेंट आता है सॉर्ट होने, मान लो 2 अकेला एलिमेंट आ रहा है, तो लोअर भी यही रहेगा अपर भी यही रहेगा, तो इस एक अकेले एलिमेंट पे कोई भी काम नहीं होगा। मीन्स जो सिंगल एलिमेंट जब भी आ रहा है तो हम मान जाएंगे कि वो सॉर्टेड है, वो ऑटोमेटिकली क्या है, सॉर्टेड है, वो ऑटोमेटिकली क्या है, सॉर्टेड है, ठीक है भैया। चलो लेट्स मूव ऑन। ये तो हो गया स्टेप वन। स्टेप टू, देखो अब मैं चाहूं तो स्टेप टू को एक अलग एल्गोरिथम बोल दूं और उसको बाहर लिख लूं, और चाहूं तो स्टेप टू से स्टेप नाइन तक मैं यहीं पे लिख दूं, ठीक है। मैं प्रिफर करता हूं स्टेप टू को एक अलग एल्गोरिथम मानना। तो स्टेप टू में हम क्या करेंगे भैया, पाइवट वैल्यू की इंडेक्स को जानेंगे, ठीक है। कैसे, बाय कॉलिंग द पार्टीशन फंक्शन, बाय प्रोवाइडिंग एरे लोअर एंड अपर। ये जो एल्गोरिथम है पार्टीशन की जो हम अब देखने जाएंगे, जब देखेंगे ये एल्गोरिथम क्या करेगी भैया, ये एल्गोरिथम पाइवट को उसकी राइट जगह पर रख देगी, छोटी वैल्यू को लेफ्ट साइड में ला देगी, बड़ी वैल्यू को राइट साइड में ला देगी, ठीक है, ओके। हम चाहें तो जो काम हम इसमें करना चाहते हैं पार्टीशन में उसको यहीं पे कर सकते हैं, लेकिन हम अलग से एल्गोरिथम लिख के कर रहे हैं एक बार जब हमको पार्टीशन इंडेक्स मिल गई, पाइवट इंडेक्स मिल गई, पाइवट के इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट पार्टीशन बना देंगे। कैसे, पाइवट इंडेक्स मिल गई तो हम बोलेंगे अप्लाई क्विक सॉर्ट ऑन लेफ्ट पार्टीशन, लेफ्ट पार्टीशन के ऊपर क्या लगाओ, क्विक सॉर्ट लगाओ, लेफ्ट पार्टीशन के ऊपर क्या लगाओ, क्विक सॉर्ट लगाओ। कैसे, क्विक सॉर्ट, लेफ्ट पार्टीशन कैसे बनेगा भैया, अरे लोअर इंडेक्स तो सेम रहने वाली है और अपर इंडेक्स की जगह आ जाएगा पाइवट इंडेक्स -1,
ये लेफ्ट हैंड पार्टीशन है। अच्छा पाइवोट इंडेक्स माइनस वन क्यों है? क्योंकि पाइवोट इंडेक्स ऑलरेडी सॉर्टेड है। स्टेप फोर, अप्लाई क्विक सॉर्ट ऑन राइट पार्टीशन। ठीक है, राइट पार्टीशन पे कैसे लगेगा भैया? क्विक सॉर्ट ARR, लोअर की जगह पाइवोट इंडेक्स आएगी। अब लोअर की जगह क्या आएगी? पाइवोट इंडेक्स प्लस वन अपर। ठीक है भैया, तो ये हो गई आपकी क्विक सॉर्ट के चार स्टेप। अब हमको पार्टीशन देखना है। अब हमको क्या देखना है? पार्टीशन। क्विक सॉर्ट में दो रिकर्सिव कॉल है और एक पार्टीशन एल्गोरिथम को कॉल है। ठीक है, लेकिन दुनिया में कोई भी बोलेगा तो ये क्विक सॉर्ट खत्म नहीं हुआ, पार्टीशन की एल्गोरिथम बतानी पड़ेगी, पार्टीशन की एल्गोरिथम बतानी पड़ेगी। ठीक है भैया, नहीं तो आपने इतना बता दिया तो क्विक सॉर्ट नहीं है ये, ये सिर्फ कॉलिंग है क्विक सॉर्ट के लिए। अब एल्गो देखिए, ये वाली एल्गोरिथम देखिए, जिसको हम बोल रहे हैं पार्टीशन, जिसको हम बोल रहे हैं पार्टीशन, यहां आ रही है एक एरे, लोअर अपर, ये तीन चीजें आ रही है भैया। स्टेप वन, सेलेक्ट पाइवोट। ठीक है, हमने बताया था पांच तरीके के पाइवोट हो सकता है। पहला एलिमेंट हो सकता है, आखिरी एलिमेंट हो सकता है, मिडिल एलिमेंट हो सकता है, मीडियन हो सकता है, और कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है। अब सुनिए, मैं पाइवोट सेलेक्ट कर रहा हूं पहला एलिमेंट, किसी भी लॉजिकल एरे का पहला एलिमेंट मुझे मिलेगा लोअर इंडेक्स से। तो जो भी एलिमेंट लोअर इंडेक्स पे होगा वो मेरा क्या है भैया? पाइवोट। ठीक, ओके, चले स्टेप टू। स्टेप टू, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज डाउन इंडेक्स। ठीक है, हम एक इंडेक्स इनिशियलाइज कर रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं डाउन, और उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं लोअर बाउंड से। उसको किससे इनिशियलाइज कर दिया? लोअर बाउंड से। स्टेप थ्री, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अप इंडेक्स। ठीक है, अप इंडेक्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया। इंट अप इक्वल्स टू अपर, किससे इनिशियलाइज कर दिया भैया? अपर से। ठीक है, तो ये तीन तो डिक्लेरेशन के स्टेप हो गए। अब मेन स्टेप जो है वो स्टेप फोर है, मेन स्टेप जो है वो स्टेप फोर है। ध्यान से देखिएगा भैया, स्टेप फोर में क्या कर रहे हैं हम? स्टेप फोर, रिपीट अंटिल डाउन इज लेस देन अप। जब तक डाउन अप से लेस देन है तब तक रिपीट करो। मतलब हमको क्या लगाना है? व्हाइल डाउन इज लेस देन अप। ठीक है, इसके अंदर हमको क्या करना है? अप एंड परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, अगले स्टेप्स हमको परफॉर्म करना है। तो हमको स्टेप मिला फोर का ए। देखो, व्हाइल के अंदर व्हाइल आने वाला है भैया, व्हाइल के अंदर व्हाइल आने वाला है। पार्टीशन की कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर, पार्टीशन की कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर। ठीक है, चलो स्टेप फोर ए। फोर ए क्या करेगा भैया? फोर ए बोलेगा व्हाइल, ये वाला स्टेप क्या करेगा? लेफ्ट हैंड साइड के पार्टीशन में कौन सी वैल्यू पाइवोट वैल्यू से बड़ी है ये ढूंढेगा। ठीक है, उसके इंडेक्स को ढूंढेगा और उसको होल्ड करके रख लेगा। तो व्हाइल डाउन इज स्मॉलर देन
अपर स्मॉलर देन या इक्वल टू अपर, ये इंडेक्स जब तक लॉजिकल पार्टीशन के अंदर ही है, बाहर नहीं जा रही है, तब तक एंड जब तक एलिमेंट डाउन इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू पाइवट, ठीक है भैया, तब तक क्या करो, डाउन इंडेक्स को इंक्रीज करते जाओ, ठीक है भैया, व्हाइल डाउन इज लेस देन इक्वल टू अपर एंड एआरआर डाउन इज लेस देन इक्वल टू पाइवट, ठीक है, तब तक क्या करो, डाउन को इंक्रीमेंट करते जाओ। स्टेप फोर का बी, व्हाइल अप इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर, जब तक अप लोअर से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तब तक एंड the value at up index is greater than pivot, तब तक क्या करो, up equals to up minus one, up को minus one करते चलाओ, ठीक है। देखो जब 4a step रुकेगा तो वो ऐसी index पे रुका है जिसकी value pivot value से बड़ी है, जिसकी value क्या है, pivot value से बड़ी है, ठीक है। और जब अप इंडेक्स चल रहा है तो अप इंडेक्स ऐसी इंडेक्स पर रुका है जिसकी वैल्यू पाइवट वैल्यू से छोटी है, जिसकी वैल्यू पाइवट वैल्यू से छोटी है। जो डाउन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है, जो अप है वो राइट हैंड साइड पे चल रहा है, छोटी वैल्यूज लेफ्ट हैंड पे जाएंगी और बड़ी वैल्यू राइट हैंड पे जाएंगी, ठीक है, छोटी वैल्यू लेफ्ट हैंड पे, बड़ी वैल्यू राइट हैंड पे। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि कहीं अप और डाउन एक दूसरे को क्रॉस तो नहीं कर गए। तो हमने स्टेप 4c में चेक किया, इफ डाउन इज लेस देन अप, इफ डाउन इज लेस देन अप, अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या करो, स्वैप एआरआर डाउन विथ एआरआर अप, इसको स्वैप कर दो, ठीक है भैया। तो बेटा क्या होगा, जब स्टेप फोर अपना पूरी तरह एग्जीक्यूट होगा तो मैं लिख देता हूं, आफ्टर दी कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेप फोर, ठीक है, क्या होने वाला है, अप इंडेक्स विल की जगह इज लिख देते हैं, अप इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ पाइवट वैल्यू, ठीक है, मतलब पाइवट वैल्यू को अप इंडेक्स पे होना चाहिए, ठीक है, ओके, एंड ऑल स्मॉलर वैल्यूज आर ऑन लेफ्ट साइड एंड लार्जर वैल्यूज आर ऑन राइट साइड, मतलब जब स्टेप फोर खत्म होगा तो अप इंडेक्स पाइवट के लिए जगह बना देगी कि ये पाइवट की इंडेक्स है, और सारी स्मॉलर वैल्यू कहां चली जाएंगी, राइट साइड लेफ्ट साइड में, और सारी लार्जर वैल्यू कहां चली जाएंगी, राइट साइड में, ठीक है, ओके, चले स्टेप फाइव पे आ जाते हैं। स्टेप फाइव क्या करेगा, प्लेसिंग द पाइवट वैल्यू एट अप इंडेक्स, ठीक है, कैसे, बाय स्वैपिंग एआरआर लोअर से ही पाइवट मिला था, विथ ए आर आर अप, इन दोनों वैल्यू को स्वैप करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा भैया, पाइवट अपने इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, ए आर आर लोअर, क्या कोड लिखेंगे इसके लिए, इक्वल्स टू ए आर आर अप इक्वल्स टू पाइवट, ठीक है भैया, ये कोड आपको मिल जाएगा।
स्टेप सिक्स क्या बोलता है? रिटर्न पाइवट इंडेक्स. पाइवट की इंडेक्स क्या है भैया? रिटर्न अप. ठीक है भैया, तो ये हो गई हमारी पार्टीशन की एल्गोरिथम खत्म. ये हो गई हमारी पार्टीशन की एल्गोरिथम खत्म. क्लियर है? चलें एग्जाम्पल देखेंगे, हो सकता है एग्जाम्पल से और पिक्चर क्लियर हो. चलें एग्जाम्पल की जगह कोड देखते हैं, इसके लिए कोड लिख लेते हैं हम. चले भैया एक क्लास बना रहे हैं, एक पहले पैकेज बनाते हैं क्विक सॉर्ट, उसके अंदर बनाते हैं माय क्विक सॉर्ट. ठीक है, ये क्लास बना रही हमने पैकेज के अंदर. अब बनाते हैं मेथड पब्लिक वॉइड क्विक सॉर्ट. ये मांगेगा एक इंटीजर एरे, ये मांगेगा एक इंटीजर लोअर बाउंड, ये मांगेगा एक इंटीजर अपर बाउंड. ठीक है, ओके. ये क्लास का नाम थोड़ा सा रिफैक्टर कर रहा हूं भैया, है ना. चले भैया स्टेप वन, इफ लोअर एनी टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू अपर, तो क्या कर दो, कंट्रोल को वापस ट्रांसफर कर दो. नहीं तो क्या करो, स्टेप टू परफॉर्म करो. नहीं तो स्टेप टू परफॉर्म करो. स्टेप टू क्या बोलता है? इंट पाइवट इंडेक्स इक्वल्स टू पार्टीशन एल्गोरिथम को कॉल करना है, एरे भेजनी है, लोअर बाउंड भेजना है, अपर बाउंड भेजना है. ठीक है, अभी तक ये फंक्शन हमारे पास है नहीं. ठीक है, एल्गोरिथम किसी ना किसी फंक्शन के फंक्शन के लिए लिखी जाती है. हमको इस फंक्शन से नीचे वाले फंक्शन से पाइवट मिल जाएगा, बाद में बात करते हैं इसकी. स्टेप थ्री क्या बोलता है? अप्लाई क्विक सॉर्ट ऑन लेफ्ट पार्टीशन. ठीक है, लोअर से स्टार्ट होता है हर बार लेफ्ट पार्टीशन, कहां तक जाता है? पाइवट इंडेक्स माइनस वन तक. ठीक है भैया, फिर क्या आता है? स्टेप फोर, क्विक सॉर्ट अप्लाई करो किस पे? राइट पार्टीशन पे. कहां से चालू होता है? पाइवट इंडेक्स प्लस वन से चालू होता है. कहां तक जाता है? अपर तक. तो ये चार स्टेप तो क्विक सॉर्ट के हो गए भैया. अब पार्टीशन के स्टेप देख लेते हैं. पार्टीशन के स्टेप में सबसे पहले स्टेप वन, सेलेक्ट पाइवट, int pivot equals arr lower. ठीक है भैया, lower को pivot बना लिया. step टू क्या बोलता है? int down equals to lower. down को lower की value initialize कर दो, असाइन कर दो. स्टेप थ्री क्या बोलता है? इंट अप इक्वल्स टू अपर. ठीक है, स्टेप फोर क्या बोलता है? वाइल डाउन इज लेस देन अप. ठीक है भैया, तो क्या करो? स्टेप फोर ए करो. स्टेप फोर सजेस्ट देता है वाइल डाउन इज लेस देन इक्वल टू अपर. ठीक है, एंड ए आर आर डाउन इज लेस देन इक्वल टू पाइवट.
तो क्या करना है, डाउन की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है. डाउन इक्वल्स डाउन प्लस वन व्हाइल अप इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर. देखो लॉजिकल पार्टीशन है तो इसलिए लॉजिकल पार्टीशन की इंडेक्स के बाहर नहीं जा सकते कोई भी काम करते वक्त. ए आर आर अप इज ग्रेटर देन पिवट, तब क्या करना है, अप इक्वल्स टू अप माइनस वन. ठीक है भैया, ये स्टेप फोर बी हो गया. अब क्या आ गया हमारे पास, स्टेप फोर सी. ठीक है भैया, इफ डाउन इज लेस देन अप, तब तो स्वैपिंग कर दो. किसकी, कैसे करो, इंट टेम्प इक्वल्स टू ए आर आर लोअर ए आर आर लोअर इक्वल्स ए आर आर अप ए आर आर अप इक्वल्स टेम्प. तो ये स्वैपिंग हो गई भैया. ठीक है, अब जब स्टेप फोर खत्म हो जाएगा, स्टेप फोर खत्म हो जाएगा तो किसका काम आएगा, स्टेप फाइव का. स्टेप फाइव क्या करेगा, ए आर आर लोअर इक्वल्स टू ए आर आर अप इंडेक्स की वैल्यू को लोअर पे डाल देगा और अप इंडेक्स पे डाल देगा किसको, पिवट को. ये पिवट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा दिया. और स्टेप सिक्स क्या करेगा, पिवट के इंडेक्स को रिटर्न कर देगा. तो करेंगे रिटर्न अप इज द इंडेक्स ऑफ पिवट. ठीक है भैया, तो ये रहा हमारा कोड. चलो टेस्ट कर लेते हैं इसको. मेन मेथड, एक एरे ले लें, जो वैल्यूज वहां पे देखी थी उन्हीं से एरे लें तो बेहतर रहेगा समझने के लिए. प्रिंट कर दें भैया, अनसॉर्टेड. कहां से मिलती है भैया एरे, एरेज. चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेथड कॉल कर लेता हूँ प्रिंट करने का. इसको एरे भेज देता हूँ, लोअर बाउंड भेज देता हूँ. चलिए कॉल नहीं कर रहा हूँ, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग से काम चला लेंगे. एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, जब जरूरत पड़ेगी तब कॉल कर लेंगे. अभी तो हमको जरूरत नहीं पड़ रही, अनसॉर्टेड में भी नहीं पड़ रही, सॉर्टेड में भी नहीं पड़ रही. हमने माय क्विक सॉर्ट का ऑब्जेक्ट बनाया. ठीक है भैया, क्विक सॉर्ट का ऑब्जेक्ट बन गया. ऑब्जेक्ट से कॉल कर लिया क्विक सॉर्ट को. एरे लोअर और अपर मैंने डिफाइन नहीं किया तो भैया डिफाइन कर देता हूं. इंट लोअर इक्वल्स टू जीरो फॉर बिगनिंग, इंट अपर इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ माइनस वन. वाई माइनस वन, क्योंकि मुझे अपर इंडेक्स चाहिए है, लेंथ नहीं चाहिए है. ठीक है, लोअर अपर कॉल कर दिया भैया. ठीक है, अब प्रिंट कर लेते हैं इसको. ठीक है, सॉर्टेड आ जाएगी हमारे पास वैल्यू. ठीक, फर्स्ट विल एग्जीक्यूट दिस कोड एंड सी कि हमारा सॉर्टिंग हो भी रही है कि हम कहीं इनफाइनाइट व्हाइल लूप में बैठे हुए हैं. ऐसा लग रहा है इनफाइनाइट व्हाइल लूप है. अब
तो स्टॉप करना पड़ेगा, सिस्टम को क्रैश करके कोई फायदा नहीं देगी। इनफाइनाइट व्हाइल लूप में बैठे हुए थे हम, तो जाके चेंज करते हैं कहां पे प्रॉब्लम हो गई है। लग तो नहीं रहा कि कोई सा इनफाइनाइट व्हाइल लूप है, पर सॉर्टिंग क्यों नहीं हो रही है?
He is looking for what's the problem, why this output, we are not getting this output. Looking for that, beta, looking for that.
स्टेप फोर के किसी भी वाइल लूप के अंदर जा नहीं रहा है वो। चलो भैया कल ही सॉल्व करेंगे इसको, है ना, इसको कल ही सॉल्व करेंगे। देयर कैन बी एन प्रॉब्लम, क्यों है ये प्रॉब्लम आई डोंट अंडरस्टैंड। वाइल डाउन इज लेस देन इक्वल टू अपर एंड ए आर आर डाउन इज लेस देन इक्वल टू 5 वॉट लुक्स गुड। चले भैया आई एम एंडिंग दिस सेशन, आप लोगों को भी दूसरी क्लास में जाना है, विल सी टुमारो, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू गाइज़।